नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मोबाइल चार्जिंग से संबंधित है। जब भी हम नया मोबाइल खरीदते हैं उस समय तो चार्जिंग बहुत अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छी चार्जिंग होती है, और धीरे धीरे जैसे ही मोबाइल पुराना होता है चार्जिंग उसकी स्लो हो जाती है। उससे कुछ कारण है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि उसको आप स्वयं कैसे सही करेंगे। आइए जानते हैं कि उसके क्या क्या कारण है और उसको हम कैसे सही करेंगे। सबसे पहले तो आप मोबाइल का जो चार्जिंग पिन है आपको देख रहा हो, एक टूथब्रश की सहायता से इसको आप साफ कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, इसमें धूल मिट्टी बैठ जाने के कारण भी चार्जिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है। दूसरा कारण जो है, जो मेन कारण आपका होता है चार्जिंग चार्जर से होता है, तो चार्जर का चार्जर पॉइंट चार्जिंग पिन होता है इसको भी आपको साफ करना है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो पिनें होती हैं वो धीरे धीरे घिस जाती हैं, फिर इसके अंदर कार्बन आ जाता है, और इसको आपको ब्रश की सहायता से अच्छे से साफ करना है। और जो इसका दूसरा साइड जो USB वाला है इसको भी आप साफ कर लीजिएगा। आप मार्केट में जाएंगे, जो इंजीनियर होगा, जो मोबाइल रिपेयरिंग होंगे, इसी के पैसे आपसे ले लेंगे। घर पे आप ये टिप्स एक बार करके देखिएगा, इससे आपका मोबाइल लगभग 80% सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसको अंदर डाल के अच्छी तरीके से साफ करना है। अब इसको हम लगा कर देखते हैं। अभी देखिए 6% है। परसेंटेज इसकी बढ़ जाएगी। जो एक टाइमिंग थी पहले बहुत स्लो चार्जिंग होती थी, धीरे धीरे ये टाइमिंग इसकी बढ़ जाएगी और ये लगभग आपका सही हो जाएगा मोबाइल। इन केस आपका ये सही नहीं होता है, आपके प्रॉब्लम जस का तस जैसे बना हुआ है, तो फिर आपको ये चार्जर का ये जो चार्जर वायर केबल है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई अच्छे क्वालिटी का आप केबल इसको ले लीजिएगा, इसको चेंज कीजिएगा, फिर आपका ये सही हो जाएगा। कोई लोकल केबल नहीं लगाइएगा, या फिर किसी दूसरे मोबाइल चार्जर का यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो करंट होता है और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है सबकी मोबाइल की अलग अलग होती है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए आप किसी दूसरे चार्जर मोबाइल चार्जर को अपने मोबाइल में यूज नहीं कीजिएगा। आपने नया केबल ले लिया। और एक जानकारी और देना चाहेंगे कि जब भी आपका चार्जिंग का काम ख़त्म हो जाए, तो बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं कि आप ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं, इसमें क्या होता है अंदर जो भी आपका वायर होता है ब्रेक हो जाता है, इससे भी आपकी चार्जिंग नहीं हो पाती। जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए तो आपको स्ट्रेट केबल को आपको स्ट्रेट रखना है। कहीं भी अगर ट्रेवल भी करना है तो आपका ये बड़ा राउंड बना के ऐसे बड़ा राउंड बना के रखिएगा, और इसको जहाँ भी रखिएगा आपका चार्जिंग आप स्ट्रेट आप रखिएगा, जो भी आपका चार्जर स्ट्रेट रखिएगा, तो आपका ये कभी भी ऐसा प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा। अगर फिर आपका प्रॉब्लम आता है तो फिर आप ये केबल आप इस पर चेंज कर दीजिएगा। अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।